हम इनका वीडियो बना रहे हैं, इनका हमने प्री शॉट किया था एक महीने पहले और साथ में शॉक वेव भी दिया था, एक ही सेशन किया है। अब ये दूसरे सेशन के लिए हमारे पास 1300 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो यहाँ आने की क्या वजह रही, कि इनको कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्यों नहीं इन्होंने अपने घर के आसपास ही पी शॉट कराया, आइए इनसे जानते हैं। पी शॉट तो मेरे घर के आसपास भी होता था, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस, बहुत ही नियर में। बट यहाँ आने का रीज़न यह था कि यहाँ का जो फीडबैक था बहुत अच्छा हुआ, रिव्यू बहुत अच्छा था, और मैंने जब लिया तो उससे लगा, मैंने फील किया उस चीज़ को। मेरी फर्स्ट सेशन से मेरी रिएक्शन बहुत हार्ड होने लगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। इससे पहले आपने कुछ और जगह पे क्लिनिक पे भी गए होंगे, तो वहाँ पे क्या माहौल होता है, मतलब जैसे आप हमें अभी बता रहे थे, तो क्या आप कैमरे पे भी बता सकते हैं कि क्या माहौल होता है, किस तरह से बात करते हैं, और क्या हमने पी शॉट के साथ कोई दवाइयाँ भी दी आपको? नहीं, और जगह क्या होता है कि डॉक्टर्स एक फियर का क्लाउड बनाते हैं, जस्ट वो क्या करते हैं, पेशेंट को डरा देते हैं। बट यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिला हमको, और पी शॉट के साथ मुझे कोई दवा भी नहीं मिली थी, और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, इसलिए मैं दोबारा आ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि पूरा सेशन कम्प्लीट करूँ। देखिए, एक बड़ी कॉमन बात है कि मैंने देखा है, हम भी कई बार, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, कि पी शॉट के साथ टेडलाफिल देते हैं, लेकिन और कोई दवाई नहीं देते। अगर देते हैं तो बहुत लो डोज पे देनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ पी शॉट को ही देखना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि पी शॉट कितना एक्ट कर रहा है। टेडलाफिल हम तब देते हैं जब पेशेंट को थोड़ी ज़्यादा सीवियर ईडी हो, यंग पेशेंट है, माइल्ड ईडी है, तो आप सिर्फ पी शॉट से ही ट्रीट करने की कोशिश करो, क्योंकि टेडलाफिल एक बार देनी शुरू करोगे तो ये चांस रहेगा कि आपको बार बार देनी पड़ेगी। तो कोशिश ये रहती है कि टेडलाफिल ना दी जाए, सिर्फ पी शॉट दी जाए, तभी पता लगेगा वो कितना असर करता है। अगर आप साथ में टेडलाफिल दे देंगे, पैक्सेप सी आर दे देंगे और दो तीन तरह की मेडिसिन दे देंगे, तो आपको पता ही नहीं किससे इफेक्ट पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है पी शॉट में कि आप क्वालिफाइड लोग से कराएं, क्योंकि इतने ज़्यादा पी शॉट करने के बाद, प्लास्टिक सर्जरी की इतनी, फिनाइल इम्प्लांट करने के बाद, फिनाइल लेंथिंग पैड ग्राफ्टिंग करने के बाद, कभी कभी मैं भी कोरपोरा में नहीं जा पाता, हालांकि मुझे पता लगता है मैं कोरपोरा में नहीं हूँ। मुश्किल है, ब्लाइंड प्रोसीजर है, हमें अंदाजे से जाते हैं, हमें कोई ना पता है कि कहाँ पे कोरपोरा है। हर पेशेंट का पेनिस अलग साइज़ का होता है, उसकी शेप अलग होती है, कोरपोरा का साइज़ अलग होता है, तो आप कई बार एंटर नहीं कर पाते जब तक कोरपोरा में पी शॉट नहीं जाएगा, पी शॉट का रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसलिए पी शॉट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सपर्ट से कराएं। यही फर्क होता है, जब कोरपोरा में जाता है तो हमेशा पी शॉट का अच्छा रिजल्ट आता है, और जब वो ऐसे ही करा लिया तो उसका कोई पी शॉट का रिजल्ट नहीं आता।